आपातकाल। ये शब्द सुनकर हमें याद आता है 1975 का वो दौर जब भारत के लोकतंत्र की हत्या की गई। पर आपातकाल सिर्फ 1975 की कहानी नहीं है। आपातकाल एक मानसिकता है जिसमें कांग्रेस जीती आई है। सदियों की गुलामी के बाद सैकड़ों लोगों के अमर बलिदानों से जो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, वो मात्र 28 सालों बाद 25 जून 1975 को आपातकाल के नाम पर एक बार फिर तानाशाही देखने को मजबूर हो गया। आपातकाल सिर्फ 2 साल की कहानी नहीं है, यह कहानी है 2 दशक में एक परिवार के पहले कांग्रेस पार्टी और फिर पूरे देश पर कब्जा जमाने। इस कहानी की शुरुआत होती है 1947 में देश की आजादी के साथ। उस समय कांग्रेस में कद्दावर नेताओं की पूरी फौज हुआ करती थी, लेकिन अगले 10 सालों में लोकतांत्रिक मूल्यों के चैंपियन नेहरू ने पार्टी के सारे नेताओं को किनारे लगाते हुए पूरी पार्टी पर ही कब्जा जमा लिया। आजादी के वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष रहे आचार्य कृपलानी की नेहरू जी के साथ लगातार तनातनी चलती रही और आखिरकार उन्हें 1951 में कांग्रेस पार्टी तक छोड़नी पड़ी। इसके साथ ही पुरुषोत्तम दास टंडन के अध्यक्ष बनने पर नेहरू ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से इस्तीफा दे दिया, पर सरदार पटेल के निधन के बाद पार्टी में अकेले पड़ चुके पुरुषोत्तम दास टंडन को ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। 1950 के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से नेहरू की छाया में चली गई। 1951 से 54 तक नेहरू देश के प्रधानमंत्री भी रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी। 1959 में नेहरू ने राजनीतिक वंशवाद की नींव रखी, अपनी बेटी इंदिरा को ही पार्टी की कमान पकड़ाकर, पिता प्रधानमंत्री, बेटी पार्टी अध्यक्ष। देश की सत्ता पिता के हाथ में और पार्टी पर बेटी का कब्जा, पूरा कंट्रोल परिवार के हाथ। लाल बहादुर शास्त्री जी के संदेहपूर्ण निधन के बाद कई दूसरे सीनियर नेताओं को छोड़कर इंदिरा गांधी को पहले प्रधानमंत्री बनाया गया और फिर 1969 में इंडिया ने सारे सीनियर नेताओं को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाते हुए कांग्रेस पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया। 1969 तक आते आते इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री पद की कुर्सी और कांग्रेस पार्टी दोनों थी। अब बारी थी रास्ते में आने वाले दूसरे विरोधियों को कुचलने की, जिनमें नंबर एक थी भारतीय न्याय व्यवस्था। चाहे राजभत्ता समाप्त करने का फैसला हो या बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, चाहे संविधान में 2400 संशोधन हो या केशवानंद भारती मामला, इन सब मुद्दों पर बार बार सुप्रीम कोर्ट और इंदिरा सरकार आमने सामने नजर आ रहे थे कि तभी वो तारीख आती है जिसने इस देश में घोषित आपातकाल की शुरुआत की। 12 जून 1975 को राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी मानते हुए संसद से अयोग्य घोषित कर दिया और उनके किसी भी निर्वाचित पद पर रहने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया। यहीं से घोषित तानाशाही यानी आपातकाल की शुरुआत हुई। कुर्सी न छूटे इसके लिए इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र ही बर्खास्त कर दिया, वो जनतंत्र जिसे लाने के लिए सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी लड़ मरे। आपातकाल लगा तो विपक्ष की धरपकड़ शुरू हुई, क्योंकि न्यायालय के बाद दुश्मन नंबर 2 विपक्ष ही तो था। गरीबी और महंगाई के खिलाफ गुजरात और बिहार के छात्र पहले ही कई महीनों से सरकार के खिलाफ संघर्ष में कूदे हुए थे। नीसा और DIR जैसे कानून बनाकर 1 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें 11,000 विपक्षी नेता थे, जयप्रकाश नारायण, मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सारे विपक्ष को जेल में डालने के बाद इंदिरा गांधी का अगला चाबुक चला देश के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर। आपातकाल की शुरुआत में ही कांग्रेस ने RSS पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद संघ और संघ से जुड़े दूसरे संगठन 2 साल तक कांग्रेसी तानाशाही के खिलाफ भूमिगत आंदोलन चलाते रहे। ABBP के तब के प्रमुख छात्र नेता स्वर्गीय अरुण जेटली को 2 वर्षों तक कारागार में रखा गया, तो प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान भूमिगत होकर आंदोलन को धार देते रहे। इमरजेंसी के खिलाफ संघ के इसी संघर्ष की वजह से दिसंबर 1976 में अपने एक अंक में द इकोनॉमिस्ट समाचार पत्र ने लिखा कि RSS विश्व का अकेला गैर वामपंथी क्रांतिकारी संगठन। इसके बाद इंदिरा सरकार का तीसरा गुस्सा फूटा प्रेस पर। प्रेस को कुचलने की ट्रेनिंग इंदिरा गांधी ने अपने पिता नेहरू से ही सीखी थी। वो नेहरू ही थे जिनके शासनकाल में अभिव्यक्ति की आजादी देने वाले संविधान के अनुच्छेद 19 में संशोधित करके उसे सीमित किया गया। नेहरू के खिलाफ कविता लिखने पर मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी को जेल जाना पड़ा था। उसी दौर में लता मंगेशकर के भाई हरदयनाथ मंगेशकर को अपनी रेडियो की नौकरी से इसलिए हाथ धोना पड़ा था क्योंकि उन्होंने वीर सावरकर की कविता को लयबद्ध किया था। नेहरू काल में दर्जनों किताबें प्रतिबंधित हुई, दर्जनों पत्रकार और अखबार निशाना बनाए गए, लेकिन अभी कांग्रेसी तानाशाही का असली चाबुक चलना बाकी था। अपने पिता से प्रेस की कमर तोड़ने की ट्रेनिंग पाई इंदिरा ने प्रेस सेंसरशिप का काला दौर पूरे 2 साल तक चलाया। अखबार छापने से पहले सरकार उसकी एक एक लाइन पढ़ती थी। इस दौरान अखबारों ने अपने एडिटोरियल पेज को खाली छोड़कर अपना विरोध जताया। कितने ही अखबारों के दफ्तर बंद कर दिए गए, पत्रकारों की धरपकड़ शुरू हुई, यहाँ तक कि विदेशी अखबारों के पत्रकारों की गिरफ्तारी और उनका देश निकाला शुरू हो गया। एक तरह से पूरा भारत एक जेल बन चुका था। आपातकाल के दौर में गांधी परिवार देश को मुगलिया दौर के बादशाहों की तरह चला रहा था। आम जनता
आम लोगों पर गोलियां तक चलाई गई जिनमें कई मौतें हुई। ये अमानवीय अत्याचारी अलोकतांत्रिक तानाशाही 2 साल तक चलती रही। इसके बाद मार्च 1977 में कांग्रेस सरकार आपातकाल हटाने और चुनाव कराने को राजी हुई। सारी विपक्षी पार्टियों को विलय करके एक दल जनता पार्टी बनाया गया जिसने 1977 के चुनाव में कांग्रेस को पराजित किया। 1977 में आपातकाल तो खत्म हो गया लेकिन एक परिवार की देश को अपने जागीर समझने की मानसिकता खत्म नहीं हुई। ये वही मानसिकता थी जिसके चलते सीताराम केसरी को कुर्सी समेत पार्टी दफ्तर से बाहर फेंका गया और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस दफ्तर में प्रवेश नहीं मिला और उनके अजले शव को दिल्ली से हैदराबाद भेजा गया। 1997 से 2017 तक 20 साल सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष रही और इसी दौरान कांग्रेसी शहजादे को आगे बढ़ाने के लिए एक के बाद एक दूसरे युवा कांग्रेसी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाता रहा। इसलिए जो कांग्रेस 1975 में कोर्ट, विपक्ष और प्रेस का गला घोट रही थी, वही कांग्रेस आज भी चुनाव हारने पर भारत के लोकतंत्र, भारत की निर्वाचन प्रक्रिया और चुनाव आयोग का अपमान करती है। कोर्ट से मिली सजा का राजनीतिकरण करती है, भारतीय सेना से सबूत मांगती है, प्रेस को गोदी मीडिया कहकर अपमानित करती है और एक के बाद एक लगातार देश से गद्दारी के प्रमाण देती है। किसी गरीब के घर में पैदा हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, इसी सामंतवादी सोच का बार बार परिचय देती है। क्योंकि इस शाही परिवार को लगता है कि इस देश पर राज करने के सारे अधिकार सिर्फ उसी के पास हैं। साल दर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी बस एक ही परिवार, और इस घमंड के लिए चाहे देश के लोकतंत्र का गला घोटना पड़े, देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाना पड़े, संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित करना पड़े और चाहे जनता से ही विश्वासघात क्यों ना करना पड़े, लेकिन भारत देश शाश्वत है, इसके लोकतांत्रिक मूल्य शाश्वत हैं, जिनकी रक्षा के लिए भारत की 140 करोड़ जनता सदियों से लड़ती आई है और आगे भी एक परिवार की तानाशाही सोच के खिलाफ खड़ी होती रहेगी।